are you all? I am Monica Dhanda. Today I am going to teach you Hindi language lesson 3 मात्राएं. आज हम मात्राएं के बारे में पढ़ेंगे. आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं या फिर हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके में मात्राओं का प्रयोग होता है. अगर हम बिना मात्राएं के वर्ड्स को लिखेंगे या शब्दों को लिखेंगे, वाक्यों को लिखेंगे, तो वो हमें समझ में भी नहीं आएंगे और उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपके चैप्टर में दिखाया गया है, माला, सितार, हाथी, कछुआ, मोर, नौका आदि. उसके ऊपर मात्राएं लगी हैं. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, माला, माला, सितार, हाथी, तो इसमें हमने देखा कि इसमें आ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है. इसमें हमने देखा छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है. इसमें हमने देखा कि बड़ी ई की मात्राओं का इस्तेमाल हुआ है. अगर हम इनको बिना मात्राओं के लिखेंगे तो ये वर्ड होंगे जैसे कि माला, ये बन जाएगा माल. इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा. अगर हाथी के ऊपर से हम थी की मात्रा, बड़ी की मात्रा हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? हाथ है. तो ये वर्ड्स हमें समझ में नहीं आएंगे. व्यंजनों के बाद जब स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है. स्वर के इसी बदले रूप को हम मात्रा कहते हैं. स्वरों के अनुसार अयोग्य वाह की भी मात्राएं होती हैं. जैसे कि अनुस्वार में लगाया, अंग, पंखा, श्रीलंका, तो आपने देखा कि उसके ऊपर हम बिंदु लगा रहे हैं, यानी कि अनुस्वार लगा रहे हैं. और अनुनासिक क्या हुआ? ऊट, चांद, बूंद, तो इसमें हमने किसका यूज किया? इसमें हमने किया चंद्र बिंदु का यूज. अब आते हैं हम विसर्ग. विसर्ग क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि कोई हम शब्द लिखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे दो बिंदु लगाए जाते हैं, यानी कि उसको हम विसर्ग बोलते हैं. विसर्ग का यूज भी होता है जैसे कि प्रातः, पुनः, शनै, तो लेकिन आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि आ जिसके साथ लगता है वो शब्द को ही पूरा कर देता है. मात्राओं के स्थान व्यंजनों पर चार प्रकार से लगाई जाती हैं. आ, ई, ओ तथा ओ की मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती हैं, जैसे कि छाता, खीरा, घोड़ा, पौधा. तो क्या हुआ इसमें? ये व्यंजन के बाद की मात्राएं आई. अब ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है. आपने देखा होगा कि ई की मात्रा पहले स्टार्ट होती है तो व्यंजन उसके बाद स्टार्ट होता है. इसलिए जैसे कि डाकिया, हिरन, नारियल, चिड़िया, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कि इस मात्रा का यूज किया जाता है. अब तथा ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं. अब आपने देखा होगा कि ए तथा ए की मात्रा जो है व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, तो ये किसमें लगाई जाती है? जैसे कि ठठेरा, करेला, बैल, थैला, तो ये शब्द ऐसे हैं जिनमें मात्रा ऊपर की तरफ लगती है. अब आते हैं हम आ, ऊ तथा री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि ऊ, ऊ तथा री की मात्रा जो होती है व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, जैसे कि कछुआ, बटुआ, कबूतर, मृग आदि. रा तथा ऊ तथा ऊ के मात्राएं उसके बीच में लगती हैं, जैसे कि रुपया, अमरूद. तो क्या हुआ? अक्सर लोग आर पदयन तथा आर रेफ की मात्राएं मान लेते हैं, पर ये मात्राएं नहीं बल्कि अलग अलग रूप होता है इनका. देखिए, अब जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा गमर,
मैंने लिखा रमग, फिर मैंने लिखा मगर। अब देखिए गमर रमक इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई भी अर्थ कहीं से कहीं तक नहीं निकलता है, लेकिन अगर हम मगर को देखें तो इसका अर्थ निकलता है। अब जो है कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे कि एक सार्थक शब्द होते हैं और एक निरार्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जो सही होते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है, और निरार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता और उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता हमारी हिंदी में। अब क्या है कि जैसे वाक्य, लड़के दो पढ़ रहे हैं पुस्तक रहे, तो शब्द समूह, लेकिन ये इसका कोई अर्थ नहीं है इस वाक्य का। अगर हम सही प्रकार से लिखेंगे तो दो लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ये सही वाक्य होगा। हरी है छात्रावास पटना के में रहता, अगर हम ऐसे वाक्य यूज करेंगे ना तो बोलने में समझ में आएंगे ना किसी को समझाने में समझ में आएंगे। तो जैसे कि इसका सिंपल वाक्य क्या बनेगा, इसका बनेगा हरी पटना के छात्रावास में रहता है। अतः शब्दों को इस प्रकार रखना जिसका कोई अर्थ ना निकले शब्द समूह कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। आओ दोहराएं, व्यंजन के बाद जब किसी स्वर का प्रयोग किया जाता है तो इसका रूप बदल जाता है, इसी बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, स्वरों के अलावा अयोग्य वाह की भी मात्राएं होती हैं। अलग अलग व्यंजन में मात्राएं अलग अलग प्रकार से लगती हैं, जैसे ऊपर नीचे पहले तथा बाद में। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। तो आपने देखा ये मात्राएं टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूंगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे टीचमेंट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हैव अ बाय बाय, हैव अ नाइस डे।